हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का होम कुकिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी का मिल्क केक। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए। फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 3/4 कप घी लिया है, ये देसी घी है। जितनी हम सूजी डालेंगे उसका आधा हम घी डालेंगे। घी गर्म हो गया, इसमें सूजी डालते हैं। ये मैंने 150 ग्राम सूजी ली है, इसको डाल देते हैं। इसको कर लेंगे मिक्स और इसकी गैस मीडियम करेंगे। इसको इसी तरह चलाते रहेंगे 4 से 5 मिनट और इसका कच्चापन निकल जाए। हमें इसको इतना भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। 4 से 5 मिनट हो गए और सूजी का कच्चापन भी निकल गया और इसका कलर हल्का हल्का ही बदला है, ज्यादा नहीं बदला। और सूजी ने देखिए किस तरह से घी छोड़ दिया इसने। अब इसकी गैस कर देंगे बंद और इसको हम ठंडा कर लेंगे थोड़ी देर। ये ठंडी हो गई, ये देखिए मैं इसको टच कर रही हूँ, ये इतनी ठंडी हो गई। यहाँ पे मैंने 3/4 कप मिल्क पाउडर लिया है, इसको एक साथ नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके करेंगे। और इसकी गैस हमने बिल्कुल चालू नहीं करी है, गैस बंद है। इसको करेंगे मिक्स, इसको एक साथ नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके करेंगे। एक साथ करेंगे तो गांठे बन जाएंगी, इसे गिरते हैं थोड़ा सा। इसको करेंगे मिक्स। जितनी हम सूजी लेंगे उसकी आधा हमें मिल्क पाउडर लेना है। ये सारा मिक्स हो गया, अच्छे से मिक्स कराए। आज इसको एक साइड रख देते हैं और इसके लिए हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 200 ग्राम चीनी ले रही हूँ। जितनी हमने चीनी ली है उसका आधा हमें पानी लेना है। इसको अच्छे से उबाल लेते हैं और इसे हमें चाशनी को एक तार की दो तार की नहीं रखना है, इसे थोड़ी चिपचिपी रखना है। तो चाशनी को चेक कर लेते हैं, ये उबल गई, इसे थोड़ी ठंडी करेंगे। ये देखिए ये चिपचिपी हो रही है, हमें इसी तरह की चाहिए। गैस कर देते हैं बंद। अब इसमें चाशनी डाल लेते हैं। गैस इसकी हमने लो रखी है, गैस इसकी चालू कर दी है। अब इसमें चाशनी डालते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया, अब इसको हम 7 से 8 मिनट लो टू मीडियम गैस पे चलाएंगे। 7 से 8 मिनट हो गए, ये देखिए किस तरह से ठीक हो गई। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, एक प्लेट में थोड़ा सा निकालेंगे, इसको ठंडा कर लेंगे। ये ठंडा हो गया, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल गोल बनना है और हाथों से भी नहीं चिपक रहा, एकदम परफेक्ट है। अब इसकी गैस हम हाई कर देंगे और कोई प्लेट या केकिंग ले लें जो भी आपके पास हो, उसमें हल्का सा घी गिर के ग्रीस कर लेते हैं। ये देखिए इसमें किस तरह से बबल्स बन रहे हैं, ये फूल रहा है। अब इसकी गैस कर देंगे बंद, हम प्लेट या केकटी में जो हमने ग्रीस करा उसमें निकाल लेते हैं। ये मैंने प्लेट में निकाल लिया और इसे मैंने गरम गरम निकाला है। अब इसको हम ढक देते हैं और इसे हम 2 घंटे के लिए रख देंगे, ये अच्छे से सेट हो जाए। और जो अंदर से ब्राउन ब्राउन होता है वो इसी तरह से होता है। इसको हमें गरम गरम निकालना है और प्लेट से ढक देना है। 2 घंटे हो गए और ये अच्छी तरह से सेट हो गया। अब इसको हम कट कर लेते हैं, ये मैंने बड़ी प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको हम कट करते हैं। ये देखिए हमारा मिल्क केक रेडी हो गया, कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है। ये देखिए अंदर से किस तरह से ब्राउन हो गया, मार्केट में भी इसी तरह का होता है ना। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।